एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसे एक अफवाह फैल जाती है। टीचर की वाइफ भी उस पर शक करने लग गई और इस वजह से उनमें दूरियां बढ़ जाती है। उनकी लाइफ में आए तूफानों की वजह से एक दूसरे से बहुत दूर चले गए थे। क्या फिर से पहले जैसे रह पाएंगे? हम आज की हमारी सीरीज फिडेलिटी 2022 की एक नेटफ्लिक्स सीरीज में देखेंगे। इसको और एक ट्रांसलेटेड नेम डिवोशन अ स्टोरी ऑफ लव एंड डिजायर भी है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मार्गरेटा को देखते हैं, जो एक प्रॉपर्टी एजेंट थी। वो अपने क्लाइंट्स को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा घर दिखा रही थी, पर उन्हें उतना ज्यादा पसंद नहीं आता। मार्गरेटा का इस हाउस के लिए एक विजन था, उसे एक सर्टन टाइप से इसे बनाना था, पर उसके क्लाइंट इसे तोड़ने वाले थे। ये उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर वो समझते नहीं। वहां पर और एक क्लाइंट घर देखने के लिए आ जाता है, जिसका नाम है कार्लो। वो कहती है कि इस क्लाइंट के जाने के बाद मैं आपको टूर दे सकती हूँ, पर कार्लो कहता है कि मुझे अर्जेंट है, मुझे बाद में टाइम नहीं है। हाउस देखकर जब एक क्लाइंट चला गया तो कार्लो और मार्गरेटा दोनों इंटीमेट होने लग गए। एक्चुअल में ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। मार्गरेटा को लेग पेन है और इसी वजह से उसे थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। उसका मस्यूज आज चेंज हो गया था। इसका नाम है आंड्रे, जो बहुत ही हैंडसम था। आंड्रे ने उसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर पेन महसूस हो रहा है, पर इसका रीजन कुछ अलग ही है, तुम बहुत स्ट्रेस लेती हो। कार्लो की एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था सोफिया। सोफिया ने राइट कर उसे रिव्यू के लिए दिया हुआ था। उसने पूछा कि आपको मेरी राइटिंग कैसी लगी। कार्लो कहता है कि तुमने बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, तुम्हें सिंपल चीजें लिखनी चाहिए, जो तुम्हारे दिल को रेजोनेट करे, ऐसा ही तुम्हें कुछ लिखना चाहिए। ये बताते हुए उसने उसके पीठ पर हाथ रखा था, उसे सॉरी कहता है। सोफिया ने कहा कि आपको सॉरी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सोफिया उसे लाइक करने लग गई थी। घर पर आने के बाद मार्गरेटा और कार्लो उस हाउस के बारे में बात करते हैं। मार्गरेटा को बहुत पसंद आया था। उसे लगता है कि उस हाउस को एक स्पेशल सा कैरेक्टर है, जो बाकी हाउसेस में नहीं होता। वो रात में इस बारे में बहुत सोचता है और अपने नॉवेल पर काम करने लग गया। अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश किए उसे 4 साल हो चुके थे और सेकंड कंप्लीट करने के लिए जरा स्ट्रगल कर रहा था। अगले दिन कार्लो और मार्गरेटा के पेरेंट्स के मिलने का प्लान था, तो मार्गरेटा अपनी मदर को लेकर आती है। कार्लो के फादर ने मार्गरेटा से पूछा कि तुम्हारा लेग पेन कैसा है। ये सिचुएशन तुम्हारी कार्लो की वजह से हुई थी। सोफिया ने कहा कि मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था, तुम्हें उसे फॉलो कर रही थी और इसी वजह से मुझे जरा चोट आ गई। अपने मैरिज में वो बहुत खुश थी और थोड़ा सा लेग पेन उसे बड़ी डील नहीं लगती। बातें करते करते उस घर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट हुआ। कार्लो के फादर ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, पर कार्लो कोई भी हेल्प नहीं चाहता। कार्लो के फादर उसे लूजर ही समझते थे, जो बात उसे अच्छी नहीं लगती। घर आते वक्त कार्लो कहता है कि हमें उस हाउस को बाय कर लेना चाहिए। मार्गरेटा ने कहा कि तुम तो अपने फादर से पैसे नहीं लेने वाले। कार्लो कहता है कि मैं अपनी बुक को कम्प्लीट करूंगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट के जो पैसे आएंगे उससे हम बाय कर सकेंगे। इसके लिए दोनों बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन में कार्लो और सोफिया का 1-to-1 सेशन चल रहा था। कार्लो सोफिया से कहता है कि अपने नॉवेल लिखते हो, तुम्हें कुछ करेज दिखाना चाहिए, अपने अंदर की फीलिंग्स तुम्हें बाहर निकालनी चाहिए। अपना फर्स्ट नॉवेल लिखते हुए भी वो स्टक हो गया था और मार्गरेटा से उसे प्यार हो गया और इसमें उसने पूरा नॉवेल लिख डाला था। सोफिया कहती है मेरी राइटिंग बहुत ही पर्सनल है, अगर आप आपकी सेकंड बुक की राइटिंग मुझे दिखाओगे तो मैं भी अपना वर्क शेयर करूंगी। कार्लो कहता है कि मैं इस पर सोचूंगा, पर सोफिया ने अपना माइंड चेंज कर लिया और अपनी बुक को उसे नहीं दिखाती। अगले दिन जो क्लाइंट घर को तोड़ने वाला था वो मार्गरेटा से मिलने के लिए आता है। वो घर बाय करने के लिए रेडी थे पर वो जरा कम पैसे दे रहे थे। वैसे उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा सा बार्गेनिंग वो करने वाले थे। नेक्स्ट सीन में कार्लो सोफिया को घर छोड़ देता है, पर सोफिया का ब्रेसलेट उसकी गाड़ी में रह चुका था। रात में मार्गरेटा और कार्लो अपने फ्रेंड और एडिटर से मिलते। कार्लो ने एडिटर को बता दिया कि जल्दी तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ तो लिख कर भेज दूंगा। मार्गरेटा ने कहा कि मेरी वजह से इसकी फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई थी और सेकंड बुक भी फर्स्ट टाइम मैं ही पढ़ूंगी। इनके फ्रेंड्स में ग्यूला और पाउलो ये दोनों कपल थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, वैकेशन भी प्लान कर रहे थे। डिनर के बाद मार्गरेटा कार्लो को बताती है कि वो कपल हाउस बाय करना चाहता है। कार्लो को इसे बुरा लगा था, पर वो कहता है कि हम दोनों एक साथ हैं, कोई भी हाउस को एक ब्यूटीफुल सा घर हम बना सकते हैं। घर आकर कार्लो ने अपने नॉवेल का थोड़ा सा पार्ट प्रिंट कर लिया और अगले दिन वो सोफिया को दे देता है। मार्गरेटा आज जब मसाज के लिए आई थी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने जाकर उस हाउस का फॉर सेल का साइन निकाल लिया। उसने डिसाइड कर लिया था कि वही उस हाउस को बाय करेगी। कार्लो की क्लास में सब लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी पर काम कर रहे थे। अचानक से सोफिया वहां से उठकर चली जाती है। वो बाथरूम में जाकर रोने लग गए। कार्लो उसके पीछे पीछे गया, उसे रोता देख उसे वो सहारा देता है। उन दोनों को एक लड़की ने करीब देख लिया और इसकी वो कंप्लेंट कर देती है। कार्लो और सोफिया दोनों एक ही चीज बताते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सोफिया कहती कि रोते रोते मुझे चक्कर आ गई थी और कार्लो ने मुझे उठने में हेल्प कर दी।
कार्लो जब घर आया तो मार्गरेटा ने उसके लिए डिनर बनाया था। आज जो भी हुआ था इस सब के बारे में कार्लो मार्गरेटा को बता देता है। मार्गरेटा इस बात से अपसेट हो गई, उसे हाउस के बारे में बताने वाली थी पर अब कुछ भी बताती नहीं। रात में उसे नींद नहीं आती। उसने कार्लो से पूछा कि क्या तुम हैप्पी हो। कार्लो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं हैप्पी हूँ। मार्गरेटा पूछती कि उस लड़की का नाम क्या था, क्या तुम्हें वो अच्छी लगती है। कार्लो कहता कि क्या तुम जेलस हो रही हो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो फिर मार्गरेटा के करीब आ गया और ये दोनों इंटीमेट हो गए। रात में मार्गरेटा सोफिया की राइटिंग देखती है। उसे लगा कि सोफिया राइटिंग में कार्लो की बात कर रही थी। अगले दिन काम पर आने के बाद मार्गरेटा की फ्रेंड ने उसे पूछा कि वो कपल हाउस बाय करने वाला था, उनका क्या हुआ। मार्गरेटा कहती थी कि अब वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अभी वो हाउस पाना चाहती थी। आज सोफिया रास्ते से गुजरते वक्त अचानक से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वो घर पर आई और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। मार्गरेटा ने सोफिया को सोशल मीडिया पर स्टॉक किया। सोफिया कार्लो को मैसेज कर दिया और कहती थी कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुमसे मिलना है। कार्लो इस टेक्स्ट को इग्नोर कर देता है। घर पर आने के बाद मार्गरेटा अच्छे से रेडी हो गई और कार्लो से कहती कि आज रात हम कहीं पर बाहर चलते हैं। डिनर करते हो तो कार्लो को हाउस के बारे में बता देती है। उसने कहा कि जब कोई भी बाय नहीं करेगा तो ओनर अपने हाउस का प्राइस कम कर देगा, तब तो हम बाय कर सकेंगे। कार्लो को इस तरीके से मार्गरेटा का बिहेवियर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। वो बाथरूम चली गई और कार्लो भी उसके साथ जाता है और वहीं पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एक आदमी ने वहां पर उन्हें पकड़ लिया और दोनों को बहुत एम्बैरस लगता है, पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। इनकी इवनिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी, तभी सोफिया का कार्लो को कॉल आ जाता है। मार्गरेटा ने इसे स्पीकर पर रखा। सोफिया ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैंने मैसेज भी किया। कार्लो कहता है कि मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ और फोन स्पीकर पर है, हम दोनों बाद में बात करेंगे। मार्गरेटा इस बात से गुस्सा होके उसने कार को स्टॉप करने के लिए कहा। वो कहती कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी चल नहीं रहा तो फोन की स्पीकर पर होने की बात तुमने उसे क्यों कही। कार्लो कहता है कि सचमुच में हम दोनों के बीच में कुछ भी चल नहीं रहा, वो एक टीनेजर है, वो कभी भी कॉल कर सकती है। घर आने पर भी मार्गरेटा पूछ रही थी कि उस दिन बाथरूम में हुआ क्या। कार्लो कहता है कि तुम्हें बिलीव कराने के लिए मैं क्या करूं। मार्गरेटा कहती कि मुझे पता नहीं है। अगले दिन कार्लो के जाने के बाद मार्गरेटा ने पूरे हाउस को चेक किया। क्लास में सोफिया कार्लो को इस तरीके से कॉल करने के लिए सॉरी कहती है। कार्लो ने कहा कि तुम्हें कोई भी एडवाइस की जरूरत नहीं है। सोफिया ने कहा कि मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए, हम दोनों के बीच में जो भी है ये चेंज नहीं होना चाहिए। मार्गरेटा डायरेक्टली कॉलेज में आके उसने बाथरूम देखा तो कार्लो और सोफिया को एक साथ इमेजिन कर दिया। कार्लो सोफिया को कहता है कि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसे भेज देता है। सोफिया को कार्लो के साथ अकेला बाहर निकलता हुआ मार्गरेटा ने देख लिया। उसे कहती कि तुम अपनी मेडिकेशन घर पर भूल गए थे और यही मैं देने के लिए आई। उसे सबके सामने किस कहती है और वहां से चली गई। मसाज देते वक्त एंड्रे ने कहा कि थिंकिंग करना छोड़ दो। मार्गरेटा कहती मैं छोड़ नहीं पाती। एंड्रे उसके पास आ गया और कहता है कि सिर्फ इस मोमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्लो मार्गरेटा के मदर से मिलने के लिए आया था। एक्चुअल में हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते थे, उनसे बुक्स की रिकमेंडेशन लेता था, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनसे वो बात करता। आज भी वो समझ गई थी कि कार्लो को उनसे कुछ बात करनी है, पर कार्लो ये बात नहीं करता। आज रात मार्गरेटा अपने फ्रेंड की पेंटिंग की एग्जीबिशन में आई हुई थी। एक पेंटिंग जब वो देख रही थी तो उसके पास एक आदमी आ गया, इसका नाम था फिड्रासियो। उसने कहा कि तुम भी इस पेंटिंग की तरह हो, हम सब लोगों के बीच में हो पर फिर भी हम सबसे बहुत ही डिस्टिंक्ट हो। दोनों को एक दूसरे की कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी लगी थी। सेल्समैन यहाँ पर आने के बाद मार्गरेटा को पता चला कि पेंटिंग एक्चुअल में फिड्रासियो की है। घूमते घूमते उसे अपनी फ्रेंड की आवाज आई। फ्रेंड जिसका नाम है ग्यूला, उसका अपने हस्बैंड पाओलो के साथ झगड़ा चल रहा था क्योंकि ग्यूला ने उस पर चीट किया था। इसके बारे में वो कार्लो को बताती है। कार्लो ने कहा कि हम दोनों गेस भी नहीं कर सकते थे कि इन दोनों में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अगले दिन मार्गरेटा ने सोफिया का पीछा किया, उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसे उस दिन के बारे में पूछती है तो सोफिया कहती है कि कार्लो ने आपको जो बताया वही सब कुछ सच है। मार्गरेटा कहती है कि हम दोनों ने फ्यूचर को प्लान किया है, मैं सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहती हूँ कि क्या वो तुमसे प्यार करता है। सोफिया कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे अपनी लाइफ से जो भी चाहिए ये सब कुछ वो पा चुका है। मार्गरेटा कन्विंस नहीं थी और वो डायरेक्टली सोफिया के घर पर आके वो कहती कि मैं एक एजेंट हूँ और इस वजह से सोफिया की रूममेट उसे अंदर आने देती है। घर में मार्गरेटा को कार्लो की सेकंड बुक मिल जाती है। उसने कार्लो ने सोफिया को लिखा था कि मैं सिर्फ ये तुम्हें ही रीड करने दे रहा हूँ। मार्गरेटा को इस बात से बहुत बुरा लगा। फर्स्ट नॉवेल लिखने के बाद मार्गरेटा को उसने फर्स्ट टाइम दिखाया हुआ था, उसी की वजह से वो कम्प्लीट कर पाया था। वो समझ जाती है कि कार्लो सोफिया को बहुत लाइक करता है, इस बात से उसका दिल टूट गया। सोफिया कार्लो को बताती कि तुम्हारी वाइफ ने मुझसे बात की, अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वो ट्रेन लेकर फिर से अपनी सिटी में जा रही थी। कार्लो उसे रोकने के लिए आ गया। सोफिया कहती कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ था इसके बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा,
इसका मतलब है बाथरूम में सोफिया और कार्लो के बीच में कुछ हुआ था। कार्लो कहता है कि तुम्हें अपने ड्रीम्स को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सोफिया कहती है कि क्या सिर्फ इसी वजह से तुम मुझे रोकने के लिए आए। वो उसे कुछ कमिटमेंट चाहती थी, पर कार्लो उसे कुछ भी नहीं कहता। वो उसे रोकर वहां से चली जाती है। घर आने पर कार्लो ने मार्गरेटा से कहा कि तुम इस तरीके से सोफिया से बात कैसे कर सकती हो। सोफिया तो हार्ट ब्रोकन थी, इस वजह से कार्लो से बहुत बड़ा झगड़ा कर वहां से चली जाती है। वो अपने मदर के पास आ गए। मदर घर को साफ कर रही थी। कुछ बॉक्सेस थे जिसमें मार्गरेटा की पुरानी चीजें हैं, जिसे ले जाने के लिए वो कह देती है। आज रात कार्लो पावलो से मिला। पावलो की वाइफ यूला ने उस पर चीट किया था, तो उनमें प्रॉब्लम चल रहे थे। पर बहुत दिनों के बाद वो दोनों फिर से मिले और इंटीमेट हो गए। पावलो फिर से यूला के साथ ही रहना चाहता था। वो कार्लो से कहता है कि किसी पर चीट करना है बहुत ही घटिया चीज है। रात में कार्लो और मार्गरेटा एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे थे। दोनों ऑनलाइन थे पर फिर भी एक दूसरे को मैसेज नहीं करते। अगले दिन मार्गरेटा जब काम पर आए तो उसकी फ्रेंड को पता चल गया था कि हाउस के साथ मार्गरेटा ने क्या किया है। इस बात से वो बहुत ही गुस्सा हो गए। मार्गरेटा ने उसे सॉरी कहा और सब कुछ ठीक करने वाली थी। वो अपने फ्रेंड ग्यूला से मिलने के लिए आती है। मार्गरेटा ने कहा कि तुम्हारे साथ ये सब चल रहा था, तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं। ग्यूला ने कहा कि इस तरीके से चीट करना मुझे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। मेरे और पावलो के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और इसी वजह से मैं जरा डिस्टर्ब थी। तभी उस लड़के से मैं मिली। उसे उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता, पर वो प्यार तो पावलो के साथ ही कर दिया। उसने जो भी किया इसके लिए उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था। आज मसाज लेते वक्त मार्गरेटा एंड्रयू को और भी पास से मसाज देने के लिए कहती है। घर जाते वक्त एंड्रयू उसे लिफ्ट ऑफर करता है, पर मार्गरेटा ने मना कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोफिया कार्लो के पास वापस आ गई थी। सोफिया ने कहा कि तुम्हारी नॉवेल पढ़ने के बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। तुम्हारे वर्ड्स में दर्द है। अपनी स्टोरी बताने के लिए उसे वर्ड्स मिल नहीं रहे थे। कार्लो कहता है कि और इंस्पिरेशन के लिए हम बुक स्टोर में चलते हैं। बुक स्टोर में कार्लो का एडिटर उन्हें देख लेता है। उसे भी सोफिया अच्छी लगी थी। वहीं पर एक राइटर का इवेंट चल रहा था, तो सोफिया इसे बहुत एंजॉय करती है। इसके बाद उसने कार्लो से पूछा कि हम दोनों ड्रिंक्स के लिए चल सकते हैं। कार्लो कहता है कि अच्छा आइडिया नहीं है। वो डायरेक्टली मार्गरेटा के पास आ गया। वो कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मार्गरेटा को भी बुरा लग रहा था, तो ये दोनों घर आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद उनके कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही गए। मार्गरेटा अपने वर्क पर अपने फ्रेंड को फिर से सॉरी कहती है। उसके और कार्लो के बीच में जो भी चल रहा था इस सब के बारे में उसने उसे बता दिया। फ्रेंड ने पूछा कि अब तुम दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। मार्गरेटा कहती है कि उन दोनों के बीच में चल क्या रहा है इसके बारे में उसे भी अब पता नहीं है। सारी चीजों के बारे में एक अच्छा कम्युनिकेशन उनमें हुआ ही नहीं है। कार्लो सोफिया को किसी और के साथ नोटिस करता है और वहां से चला जाता है। आज रात मार्गरेटा ने फिर से मसाज लिया और एंड्रयू उसे फिर से लिफ्ट ऑफर करता है। आज उसने एक्सेप्ट कर ली। एंड्रयू पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मार्गरेटा कहती है कि तुम्हें जहां पर भी मुझे ले जाना है वहां पर तुम ले जा सकते हो। वो कार्लो के साथ उसके घर पर गई, पर उसे लगता है कि ये सब गलत है और फिर वो घर वापस आ जाती है। क्लास में सोफिया कार्लो के पास आकर कहती है कि मैंने राइटिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। कार्लो फिर से सोफिया और उसके बॉयफ्रेंड को नोटिस करता है। वो अपने बुक में कॉन्सेंट्रेट करने लग गया था। रात में मार्गरेटा को एंड्रयू का मैसेज आया और कहा कि शायद मैंने तुम्हें ट्रबल में ला दिया होगा। मार्गरेटा कहती है कि तुमने कुछ भी किया नहीं। कार्लो भी सोफिया की फोटोज देखता है। उसे रात में सोफिया का ही सपना आता है। मार्गरेटा ने सपने के बारे में पूछा क्योंकि कार्लो चिल्ला रहा था, पर वो कुछ भी बताता नहीं। वो मार्गरेटा को उसके बॉक्सेस ओपन करने के लिए हेल्प करना चाहता था, और मार्गरेटा कहती कि मुझे अपना स्पेस चाहिए। अपनी सब पुरानी चीजें उसने देखी, तो इसमें उसके आर्किटेक्चर की डिग्री उसे मिलती है। उसे बुरा लगता है कि आर्किटेक्चर की डिग्री होने के बावजूद वो सिर्फ हाउसेस सेल कर रही है। इन सब चीजों में उसे अपने फादर के लेटर मिलते हैं। उसे पता चला कि उसके फादर का किसी और लड़के के साथ बहुत सालों तक अफेयर चल रहा था। वो इस बात से बहुत अपसेट हो गई थी। वो कार्लो को ये बात बताती है, तो कार्लो उसे सपोर्ट देता है। मार्गरेटा ने कहा कि मुझे ये सब मदर को क्या बताना चाहिए। कार्लो कहता है कि इस बात को बहुत टाइम गुजर चुका है, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्गरेटा बहुत ही कंफ्यूज थी। कार्लो कहता है कि चलो आज फ्रेंड के साथ डिनर करते हैं। फ्रेंड्स उनकी फर्स्ट डेट कैसी थी इसके बारे में बात कर रहे थे। कार्लो ने भी अपने फर्स्ट डेट के बारे में कहा। मार्गरेटा ने कहा कि वहां के रेस्टोरेंट का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए अच्छा कहा था। अपनी पुरानी बातें याद कर क्यूला को बहुत ही बुरा लगता है। उसने पावलो को फिर से सॉरी कहा। यह सब सुनने के बाद मार्गरेटा और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। वो कार्लो से कहती है, हम हमेशा प्रिटेंड करते रहते कि हम बहुत ही हैप्पी कपल है, पर कभी भी ऐसा होता नहीं है। मैंने 5 सालों से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम्हें सपोर्ट किया है, और एक दिन उठकर तुम 20 साल की लड़की के साथ अफेयर कर लेते हो। कार्लो फिर से कहता है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मार्गरेटा ने कहा कि तुम एक बहुत बड़े सेल्फिश आदमी हो, और वहां से वो चली गई। नेक्स्ट डे कार्लो ने अपने एडिटर को सब स्टूडेंट से मिलने के लिए बुलाया हुआ था।
सब लोग रात में डिनर के लिए जाते हैं। मार्गेटा अपने मदर से उसके और कार्लो की फाइट के बारे में बात करती है। मदर ने कहा कि तुम्हें जाकर पार्टी में उसे सरप्राइज करना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। इस पार्टी में कार्लो और सोफिया एक दूसरे को देख रहे थे। सोफिया ने उसे मैसेज किया और कहा कि तुम्हें मेरे साथ डांस करना चाहिए। कार्लो कहता है कि सबके सामने हम डांस नहीं कर सकते। वो बाद में नीचे आया तो देखता है कि सोफिया और उसके बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है। मार्गेटा रेडी होकर बाहर तो निकली पर वो एंड्री के पास आती है। सोफिया का ब्रेकअप होने के बाद कार्लो से बात करने लगता है। सोफिया ने कहा कि क्या हम कहीं पर चल सकते हैं। कार्लो से पूछता है क्या तुम मुझे प्रोवोक करने के लिए सब कर रही थी। सोफिया कहती है कि मुझे लगा था कि तुम समझ नहीं पाओगे। इसके बाद वो एक पार्क के पास आ गए। वो क्लोज था पर फिर भी फेंस चढ़कर वो अंदर आ गए। मार्गेटा एंड्री के एड्रेस पर गई तो एक स्ट्रीट फाइटर था। पार्क में सोफिया कहती है किसी पर भी ट्रस्ट करना है मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, पर एक मिराकल है जो मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। उसकी करीब आ गई और ये दोनों किस करते हैं। कार्लो ने सोफिया से कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता। सोफिया इस बात से अपसेट हो गई। उसने जो स्टोरी लिखी थी वो कार्लो को दे देती है और कहा कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। वो बहुत ही हर्ट हो गई थी। एंड्रे फाइट जीत जाता है और मार्गेटा को अपने साथ वो लेकर गया। पार्क से निकलते हुए कार्लो को अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंड्रे और मार्गेटा जब घर जा रहे थे तो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। अरेस्ट होने के बाद वो मार्गेटा को कॉल लगाता है। उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था पर मार्गेटा कहती है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमारा मैरिज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अपसेट होकर वहां से चली गई। अगले दिन कार्लो को प्रिंसिपल ने बोला। वो कहते कि कल रात तुम सोफिया के साथ थे और इसी वजह से उसे वो फायर कर देते हैं। मार्गेटा एंड्रे के पास आई और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सोफिया घर आने के बाद उसकी राइटिंग उसके फादर को दिखाती है। जब वो छुट्टी थी तो एक दिन उसकी मदर उसे ड्राइव के लिए लेकर गई। उस दिन उसकी मदर बहुत अपसेट थी और जानबूझकर उसने गाड़ी ठोक दी। ये सब पढ़कर फादर रोने लगते हैं। पैरेलल में हम देखते हैं कि हाउस के लिए मार्गेटा को और एक क्लाइंट मिला था। उन्हें हाउस बहुत ही पसंद आता है और जिस तरीके से मार्गेटा को इस हाउस को डिजाइन करना था उसी तरीके से डिजाइन वो मान लेते। सोफिया के फादर ने उसे बात की, कहा कि मुझे हमेशा से पता था मैं तुम पर वो सब प्रेशर नहीं डालना चाहता था, तुमने ये सब लिखकर बहुत अच्छा किया, फाइनली इस बारे में हम बात कर सकते हैं। फादर पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आई। सोफिया ने कहा कि जो भी मैं करना चाहती थी, जो लिखना चाहती थी वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, वहां रहने से कोई भी पॉइंट नहीं है, उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छी राइटर है। फादर ने कहा कि तुम में ये सब लिखने का करेज है और यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है। सोफिया ने कहा कि ये सब लिखने में एक आदमी ने मुझे बहुत हेल्प की थी। फादर पूछते कि क्या उसी की वजह से तुम यहाँ पर हो। सोफिया कहती है कि हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। फादर कहते हैं कि तो फिर हमारे घर के सामने वो कौन है। सोफिया ने देखा तो कार्लो उसका वेट कर रहा था। ये दोनों एक जगह और बात करने के लिए गए और कार्लो कहता है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। सोफिया कहती है कि क्या तुम सिर्फ यही बात बताने के लिए यहाँ तक आ गए, तुम कॉल भी कर सकते थे। कार्लो कहता है कि मुझे तुमसे मिलना था। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कार्लो कहता है कि मैं हमेशा तुमसे अट्रैक्टेड था, इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप को छुपाने के लिए मैं सॉरी हूँ। रात में मार्गेटा एंड्रे के साथ थी। वो कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरा ख्याल रखा ऐसा किसी ने भी नहीं रखा था। वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मार्गेटा से मिलने के लिए उसकी मदर आई। वो पूछती कि चल क्या रहा है। मार्गेटा उसे सब कुछ बता देती है। उसने कहा कि अफेयर की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। वो फादर के अफेयर के बारे में उसे बता देती है। मदर को ऑलरेडी इसके बारे में पता था। मार्गेटा ने पूछा कि आपने फादर को छोड़ा क्यों नहीं। मदर कहती कि टाइम अलग था, आज तुम अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ डिसाइड कर सकती हो, ये डिसीजन सिर्फ तुम्हारा होगा। कार्लो को सोफिया का जो ब्रेसलेट मिला था एक दिन उसने छुपके से फिर से उसके बैग में वो रख दिया था। ये रियलाइज करने के बाद सोफिया कहती है कि मेरे मदर का था, उसे बहुत अच्छा लगता है। कार्लो से कहता है कि मैंने सब कुछ लूज कर दिया है। सोफिया कहती कि अब भी तुम्हारे पास अपनी बुक है। कार्लो अपनी एंडिंग को लेकर स्टक था। उसे मार्गेटा का मैसेज आता है और उसे मिलना चाहती थी। सोफिया देखकर कहती कि जाओ और अपनी एंडिंग ढूंढो। कार्लो से किस कर वापस आ गया। मार्गेटा एंड्रे से बात करती है और कहती कि मेरी लाइफ में सब कुछ बदल चुका था, अब मैं फिर से खुद को ढूंढ रही हूँ, उसे अलग अलग चीजें ट्राई करनी है, इन सब में वो एंड्रे के साथ नहीं रह सकती। उसे लगता है कि अगर वो फ्रेंड्स रहे तभी उनकी रिलेशनशिप अच्छी टिकेगी। एंड्रे भी ये बात समझ लेता है। मार्गेटा और कार्लो एक कैफे में मिलने वाले थे तो कार्लो जल्दी पहुंच गया और उसके वेट करता है। एंड्रे उसे छोड़ने के लिए आया। उन दोनों को साथ में देखकर कार्लो को बुरा लगा और वहां से वो चला जाता है। मार्गेटा उसका वेट ही करती रही। घर आकर गुस्से में कार्लो ने अपने नॉवेल को डिलीट कर दिया। उसे अब नहीं लग रहा था कि उसके नॉवेल की अब एक हैप्पी एंडिंग हो पाएगी। नेक्स्ट सीन में हम मार्गेटा और कार्लो किस तरीके से फर्स्ट टाइम मिले थे इसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। दोनों एक कैफे में थे, एक दूसरे को नोटिस करते हैं पर कार्लो को कुछ काम था तो निकल जाता है। उसका मोबाइल उसके टेबल पर ही रह गया।
मार्गरेट आय देने के लिए उसके पीछे भागी पर उसके पैर पर चोट आ गई। उसी चोट की वजह से अभी उसके लेग में पेन होता है। कार्लो ने बाद में अपने मोबाइल पर कॉल किया। ये मार्गरेट उठाती है और उसकी रिंगटोन वो पहचान गई। वो दोनों समझ गए थे कि उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। मार्गरेट अपने एक्सीडेंट के बारे में उसे बता दिया तो कार्लो हॉस्पिटल में आ गया। उसे एग्जैक्ट रूम नहीं बता दी और कहती कि स्ट्रेट आओ। स्ट्रेट आने पर उसे फूल दिखे तो एक फूल उसे निकालने के लिए कहती है। वो फिर उसके सामने ही खड़ी थी। कार्लो कहता है कि क्या ये फूल देखकर मैं तुम्हें सॉरी कह सकता हूँ। मार्गरेटा कहती है कि तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। कार्लो कहता है मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। और इसी तरीके से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं। कार्लो अपने एडिटर के साथ हैंग आउट कर रहा था। जिन न्यू राइटर्स को एडवाइस की जरूरत थी उन्हें वह हेल्प कर रहा था। सोफिया उसे मिलने के लिए आई और वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी बुक अब पब्लिश हो रही थी। मार्गरेटा ने एंड्री के साथ अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की थी। उसे हॉस्पिटल से कॉल आता उसकी मदर को एक इंजरी हुई थी। मार्गरेटा के आने से पहले कार्लो वहां पर था। वो कहता है कि कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे पूछता है कि क्या ऑपरेशन होने तक मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। मार्गरेटा इसके लिए हाँ कहती है। ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग गए और कार्लो को पता था कि मार्गरेटा अपना खुद का स्टूडियो बना रही है जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग की कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रही है। मार्गरेटा से मिलने के लिए फेडरा शुआ है जो उसका बॉयफ्रेंड है। ये वही है जिसे वो आर्ट गैलरी में मिली थी। अपनी मदर के ऑपरेशन की वजह से मार्गरेटा अपना इवेंट पोस्टपोन करने वाली थी। मदर ने कहा कि मैं तुम्हें सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ, मेरी वजह से इस इवेंट को मत रोकना। कार्लो भी अपनी डेटिंग लाइफ अब एंजॉय कर रहा था। मार्गरेटा ने रात में एक आर्टिकल देखा जिसमें उसे सोफिया की एड दिखती है। उसकी बुक पब्लिशिंग का इवेंट था। नेक्स्ट दिन में कार्लो अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। मार्गरेटा से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा, इसके बारे में उसे वो बता देता है। इसी के पैरेलल में मार्गरेटा की फ्रेंड भी उससे बात कर रही थी। उसे पूछती कि कार्लो को मिलकर तुम्हें कैसा लगा। मार्गरेटा कहती कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। फ्रेंड ने कहा कि तुम्हारी रिलेशनशिप बीच में छूट गई है, तुम्हें क्लोजर नहीं मिला है। मार्गरेटा भी एडमिट करती है कि वो भी कार्लो को मिस कर रही है। एक्चुअल में फ्रेंड्स ने मिलकर ही प्लान बनाया था कि दोनों को क्या लग रहा है इसके बारे में उन्हें पता चल सके। वो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। मार्गरेटा का इवेंट कब होने वाला था ये कार्लो को उसका फ्रेंड बता देता है। कार्लो के साथ उसके एडिटर ने बात की। उसने कहा कि तुम राइटर को गाइड करने के लिए बहुत अच्छे हो। हमारे पेरिस के ब्रांच में एक पोजीशन ओपन हुई है जहां पर जाकर तुम जॉब कर सकते हो। कार्लो इसके लिए पहले अनश्योर था पर इसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। आज कार्लो और मार्गरेटा एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे थे। सोफिया के बुक इवेंट पर कार्लो उसके साथ था तो मार्गरेटा जाकर देख कर आई। उसे कुछ भी बात ना किए चली जाती है। सोफिया के इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। उसने कहा कि अब तुम मेरे एडिटर हो। कार्लो से पेरिस के बारे में बता देता है और सोफिया भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। मार्गरेटा की ओपनिंग हुई और अपने लाइफ के इस न्यू एडवेंचर के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी। कार्लो मार्गरेटा के स्टूडियो के बाहर आ जाता है। उसने कहा कि तुम्हारा स्टूडियो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो उसकी ड्रेस की तारीफ कर रहा था तो मार्गरेटा उसे बाहर देख लेती है। उसके पास चली गई। कार्लो कहता कि मैं वंडर करता हूँ, अगर मैंने सोफिया के बारे में तुम्हें नहीं बताया होता तो हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं होती, हम दोनों अभी भी साथ रहते हैं। मार्गरेटा कहती कि मैं भी इसके बारे में हमेशा सोचती रहती हूँ। कार्लो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूँ। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे तो मुझे पता चला कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। तुमने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। मैं इस लाइफ में जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। सोफिया ने कहा कि ये बात बहुत ही ब्यूटीफुल है। उसके करीब आ गई और उसे किस कर लेती है। कार्लो पूछता है कि अब हम दोनों का क्या। फर्स्ट डेट पर मार्गरेटा ने जैसे उसे कहा था कि तुम फिगर आउट करो कि आगे हमें क्या करना है, उसी तरीके से इस बार भी वो बताकर चली जाती है। उनकी रिलेशनशिप को फिर से चांस देना चाहती है। कार्लो को सुनकर बहुत अच्छा लगा और दोनों फिर से एक साथ थे। इसी के साथ ये सीरीज एंड